शराबबंदी बिहार में पूरी तरह विफल है और इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार जी हैं। बूथ लेवल पर डेडिकेटेड कार्यकर्ता रखने वाली जेडीयू आखिर क्यों अपने कार्यकर्ताओं को शराबबंदी रोकने के काम पर नहीं लगाती है? या फिर वो लोग भी बेरोजगारी में पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय बन गए हैं, क्योंकि नौकरी तो नीतीश कुमार जी उनको भी नहीं दे पाए हैं। कानून मनवाने के लिए सरकार की पुलिस किसी लड़की के कमरे में घुस सकती है, किसी को सोते हुए बिस्तर से उठा सकती है और जेलों में ले जाकर के उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इस साल जनवरी से अक्टूबर के बीच 49,900 मामले दर्ज हुए। सोचिए, अगर सरकार शराब को हाथ में लेना अपराध मान रही है और जघन्य अपराध मान रही है और जाहिर तौर पर इसको मान ही रही है, तो अब तक कुल मिलाकर 4 लाख के हेर फेर में माफिया बिहार में पकड़े गए हैं और ये सभी माफिया आम लोग बन गए हैं जो पुलिस के हिसाब से अब माफिया और तस्कर हैं। मतलब बिहार की आबादी 12 करोड़ है तो करोड़ों अपराधी माफिया और तस्कर बिहार की सड़कों पर घूम रहे हैं और सुशासन वाली बिहार सरकार आंखें मूंद कर सो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और ये है जनता जंक्शन शो। सुशासन वाले बिहार में आपका स्वागत है। यहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर सरकार एक दुल्हन के कमरे में बेधड़क पुरुष पुलिसकर्मियों को भेज सकती है, गरीब आदमी को 200 ग्राम के पौवे के लिए 5 साल के लिए जेल में भेज सकती है, जुर्माना वसूलने के लिए उसकी जमीन तक बिकवा सकती है, पुलिस वालों को घूस देने के लिए वो तन का कपड़ा तक बेच सकता है, 750 ml की बोतल के साथ पुलिस 7 लोगों को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन हजारों लीटर शराब बेचने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। बिहार में आज से दशक भर पहले अपहरण सबसे बड़ा व्यापार हुआ करता था, जरायम का। उसमें प्रॉफिट का मार्जिन बड़ा तगड़ा था, खर्चा कम, लेकिन किसको किडनैप करना है, अगर गलती से पकड़े गए या बात खुल गए तो बड़ी सजा होगी, जैसी तमाम समस्याएं थी। लेकिन अब जरायम की दुनिया के पेशेवरों के लिए काम आसान हो गया है। बिहार में 6 साल से शराबबंदी है और जरायम की दुनिया बेहद खुश है। 4 लाख से ज्यादा मामले बिहार की अलग अलग अदालतों में दर्ज हैं। इस साल जनवरी से अक्टूबर के बीच 49,900 मामले दर्ज हुए हैं। बिहार पुलिस के मुताबिक शराबबंदी के नियम के तहत इस साल छापेमारी करके 38,72,645 लीटर शराब जब्त की गई है, जब तक आखिरी रिपोर्ट बिहार पुलिस ने ऑडिट की है। इसमें 12,93,229 लीटर देशी शराब जबकि 25,79,415 लीटर विदेशी शराब थी। इसके साथ ही करीब 62,140 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 1,590 लोग बिहार के बाहर के थे। पुलिस का कहना है कि वे शराब लेकर जा रहे थे। 12,200 वाहनों की जब्ती भी हुई है। ये आंकड़े एक वेबसाइट पर मौजूद हैं जो अक्टूबर 2021 तक के हैं। अब सोचिए, अगर सरकार शराब को हाथ में लेना अपराध मान रही है और जघन्य अपराध मान रही है, तो जाहिर तौर पर अब तक कुल मिलाकर 4 लाख के हेर फेर में बिहार में माफिया पकड़े गए हैं। और जैसा कि अंडरस्टूड है, अपराधी बेहद कम मात्रा में पकड़े जाते हैं जितनी अपराधियों की वास्तविक संख्या होती है। तो अगर 12 करोड़ आबादी है बिहार की, तो करोड़ों अपराधी और माफिया और तस्कर बिहार की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं और सुशासन वाली सरकार आंख मूंद कर सो रही है। खजुरबानी की 16 लोगों की जहरीली शराब पीने का मामला किसकी गलती थी? आपकी स्टेट इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? इतनी बड़ी संख्या में जहां भट्टी चल रही थी, आपको अंदाजा ही नहीं था। गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण समेत बिहार में 15 दिनों में 50 लोगों की मौत किसका फेलियर है? एक शादी के घर में रखी 2 बोतल शराब की भनक और सुगंध आपको लग जाती है, कोई होटल में बैठकर घर में छुपकर 500 ml शराब पी रहा है उसकी भनक आपको लग जाती है, लेकिन भट्टियों की भनक पुलिस को नहीं लगती है। बूथ लेवल पर डेडिकेटेड कार्यकर्ता रखने का दंभ भरने वाली जेडीयू क्यों अपने कार्यकर्ताओं को इस सामाजिक काम में नहीं लगाती है कि वो शराबबंदी को और अधिक सफल बनवाएं? या फिर वो लोग भी बेरोजगारी में पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय बन गए हैं, क्योंकि नौकरी तो आप उनको भी नहीं दे पाए हैं। एक गरीब आदमी को बेवजह फंसाया जाता है, तस्करों का सरकारें साथ देती हैं, इनमें उनके मंत्रियों का नाम शराब तस्करी में जब आता है तो उनके मामलों की लीपापोती में सरकार खुद जुट जाती है। अगर शराबबंदी कानून के तहत की जाने वाली प्रताड़ना को समझना है तो मैं NDTV की एक रिपोर्ट कोट कर रहा हूं। यहां पर सिवान जिले के निवासी राहुल कुमार, जो 4 साल से दुबई में काम कर रहे थे, लॉकडाउन में घर आए थे। एक दिन आबकारी विभाग की टीम उनके घर पर आती है और उनको उठा ले जाती है। वहां 1 हफ्ते जेल में रहते हैं, पुलिस की प्रताड़ना सहते हैं और इधर उनकी नौकरी चली जाती है।
अब वो घर में आजकल गाय को चारा पानी दे रहे हैं। नौकरियां देने के नाम पर लाठी की मार देने वाली सरकार इस पर क्या जवाब देगी, या यूं पूछें कि क्या सरकार यानी नीतीश जी इसका जवाब देना पसंद भी करेंगे। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने अपने ही कार्यकाल में शराब की दुकानें खुलवाई। 6000 से भी अधिक संख्या इनकी सरकार में हुई, 1500 करोड़ से अधिक का राजस्व सुनिश्चित हुआ। लेकिन एक दिन मन में आया, नहीं इससे तो दोस्त लोग नाराज हो जाएंगे, और शराबबंदी लागू कर दी और पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी। दोस्त आप जानते हैं कि कौन है इनके। और बिहार हर साल 1500 से 2000 करोड़ के घाटे में जाने लगा, और शराब तो बिकी रही है, बस 500 वाली बोतल 1200 की हो गई है। सीमा पर चेकिंग के नाम पर तमाशा करने वाली पुलिस अगर इतनी मुस्तैद है तो बिहार में विदेशी ब्रांड की हजारों लीटर शराब कहां से आ रही है। 700 से भी ज्यादा पुलिस वालों के नाम अब तक सामने आए हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं जिन्होंने शराब की बहती नाली में हाथ धोए हैं। उत्तर प्रदेश, नेपाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड के रास्ते आने वाली शराब क्यों नहीं रुक रही है, इसका जवाब इस भाषा में देते हैं जब लोग और सरकार के लोग नीतीश कुमार जी खुद, अरे भाई थोड़ा टाइम लगेगा ना, 6 साल हो गए हैं सर, यही कहते कहते। और अगर नहीं हो पाता आपकी बिहार पुलिस से तो केंद्र से मदद मांगिए, CRPF को बुलवाइए, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि कारण तो हम सभी जानते हैं। आज की बड़ी खबर में इतना ही, अब बढ़ चलते हैं दिन की बड़ी खबरों की तरफ जो चर्चा में रही, जिन पर लोगों ने बात करी और जिन्होंने देश में हलचल मचाई, जिनको हम इन शॉर्ट में जानते हैं। पहली खबर उत्तर प्रदेश से। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसानों की महापंचायत चल रही है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की इस घोषणा कि सरकार कृषि कानून यानी तीनों कृषि कानून को वापस लेने के ऐलान के पहले से प्रस्तावित थी, और किसान नेता उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार इसको संसद से नहीं रद्द करती है तब तक आंदोलन नहीं खत्म किया जाएगा। साथ ही MSP समेत और वो मांगे हैं जिन पर सुबह हमने बात भी की थी, वो सारी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक ये आंदोलन ऐसा ही चलता रहेगा। आज लखनऊ में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर अभी भी कोई ऐलान नहीं हुआ है। MSP एक बड़ा सवाल है, और MSP पर खरीदारी को लेकर के टिकैत ने कहा है कि सरकार अभी भी झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि झूठ का कोई इलाज नहीं है। साथ ही इस महापंचायत का एक और उद्देश्य है और जिसको प्रमुख उद्देश्य माना जा रहा है, वो ये कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी हो और उनकी गिरफ्तारी हो। इसके अलावा इस आंदोलन के दौरान मरे तकरीबन 700 किसानों को न्याय की बात को लेकर के भी आगे इस आंदोलन को कंटिन्यू किया जाएगा। इसके अलावा खबर राजस्थान से। राजस्थान कांग्रेस में लंबे समय से चली आ रही सियासी उथल पुथल के बाद रविवार को कैबिनेट का विस्तार किया गया, यानी कल कैबिनेट का विस्तार हुआ। लेकिन अब विभागों के बंटवारे को लेकर के विवाद गहरा रहा है। कुछ मंत्री विभागों के बंटवारे को लेकर के खुश नहीं है, ऐसे में मंत्रालयों का बंटवारा अब दिल्ली से किया जाएगा। दरअसल कैबिनेट बदलाव के बाद माना जा रहा था कि राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी कलह शांत हो जाएगी, पर ऐसा होता दिख नहीं रहा है। रविवार को मंत्रियों को शपथ लेने से पहले सचिन पायलट ने भी साफ कर दिया था कि राजस्थान कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, हम सभी एक साथ मिल करके 2023 का विधानसभा चुनाव जीतेंगे। लेकिन मंत्री पद की शपथ के बाद से ही विभागों के बंटवारे पर खींचतान शुरू हो गई। सचिन पायलट के करीबी विधायक ब्रजेंद्र सिंह ओला ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन कुछ देर बाद ही उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई कि वो 4 बार के विधायक हैं, फिर भी उन्हें राज्य मंत्री ही बनाया गया है, जबकि 2 बार के विधायकों को भी कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। इसके अलावा खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, पंजाब चुनाव से जुड़ी हुई। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर प्रत्येक महिला को 1000 रुपए महीने देने का वादा किया है। केजरीवाल ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण योजना बताई है। उन्होंने पंजाब के मोगा में यह ऐलान किया, उन्होंने इसे दुनिया की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण योजना बताया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर एक परिवार में 3 महिलाएं भी हैं तो भी उनके खाते में 1000 रुपए हमारी सरकार जमा करवाएगी। ये कदम कहीं ना कहीं पंजाब विधानसभा चुनाव को काफी हद तक अफेक्ट कर सकता है। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही, अब बढ़ चलते हैं आज के कानून की तरफ। आज के कानून में बात करेंगे आंध्र प्रदेश सरकार के एक फैसले की।
आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 3 राजधानी बनाने के प्रस्ताव को वापस लेने का निर्णय लिया है। सरकार ने आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले तमाम कानूनों को निरस्त करने का भी निर्णय लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता सुब्रमण्यम श्रीराम ने विवादास्पद कानूनों को वापस लेने के सरकार के फैसले के बारे में उच्च न्यायालय को सूचित भी कर दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस फैसले को लिए जाने का मतलब होगा कि आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास अधिनियम 2020 और आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास, जिसको निरसन कहा जाता है, अधिनियम 2020, उसको निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि अनिवार्य रूप से ये अधिनियम राज्य के लिए 3 राजधानी के गठन का प्रस्ताव करते हैं और अब सरकार ने इसको निरस्त कर दिया है। अधिनियमों का इरादा अमरावती, विशाखापत्तनम और कुरनूल को क्रमशः विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक राजधानी के रूप में विकसित करना था। अधिनियमों को किसानों द्वारा, वहां के किसानों के द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और मामले की सुनवाई वर्तमान में उच्च न्यायालय के समक्ष की जा रही थी। इसके बारे में और जानकारी के लिए आप लाइव लॉ की वेबसाइट पर विस्तृत रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। आज के कानून के हिस्से में इतना ही, अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। आज की नसीहत तुलसीदास जी का एक दोहा है। तुलसीदास जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खों तुलसी एक समान। यानी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब व्यक्ति के मन में काम, गुस्सा, अहंकार और लालच से भरा हुआ होता है, तब तक एक ज्ञानी और एक मूर्ख व्यक्ति में कोई भेद नहीं रहता है, दोनों एक जैसे ही हो जाते हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता हैं और भारतीय संस्कृति में उनका एक महाकवि के तौर पर दर्जा है। बाकी मौज करिए, आज के जनता जंक्शन शो में इतना ही। देखते रहिए जनता जंक्शन। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। शुक्रिया।